फोन बरामद हुए। पहला फोन नाले के अंदर तो दूसरा राम जी के घर से 150 मीटर की दूरी पर बरामद किया गया। एक फोन अपहर संजीत का तो दूसरे फोन से फिरौती मांगे जाने की आशंका है। बरामद फोन से खुल सकते हैं अपहरण कांड के कई राज। पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। पुलिस कराएगी अपराधियों का नार्को बैन मैपिंग व पॉलीग्राफ टेस्ट। कहीं संजीव की गलत दोस्ती, फिजूल खर्ची और रंगीन मिजाजी तो नहीं बनी अपहरण की बड़ी वजह। प्रीति नाम की महिला की भी गिरफ्तारी हुई थी। प्रीति और मास्टरमाइंड राम जी का करीबी रामा आशीष ही अपहरणकर्ताओं को वसूली के लिए उकसाता था। पुलिस अब कॉल डिटेल के आधार पर रामाशीष का पता लगाएगी। तत्कालीन एसपी साउथ ने भी इसी एंगल पर जांच करते हुए रामाशीष को पकड़ने के लिए दबिश दी है। इंडियन टाइम न्यूज के लिए कानपुर संवाददाता हिमांशु श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। आपको पहले भी हमने अवगत कराया था, ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो दो पॉइंट्स पे हमने सर्च ऑपरेशन चलवाया था जिसमें दो अलग अलग पुलिस की टीमें लगाई गई थी। कल हमें एक नाले से जहाँ पे जिस फ़ोन से फिरौती मांगी गई थी उस जगह पे हमने जब सर्च करवाया तो वहाँ से एक मोबाइल बरामद हुआ है लावा का, उसका टूटा हुआ मोबाइल है वो। और दूसरा हमने तात्या टोपे मोड है जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पे सर्च करवाई तो वहाँ पे एक मोबाइल और बरामद हुआ MI कंपनी का। उस MI कंपनी के जो मोबाइल को हमने उनके परिवारजनों, संजीत के परिवारजनों को दिखाया तो उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है कि ये उसी का मोबाइल है। बाकी इसकी कन्फर्मेशन तभी हो पाएगी जब हम इसको FSL भेज के इसका IMEI नंबर कंफर्म करवाएंगे। और जो दूसरा मोबाइल लावा वाला मिला है उसको भी हम FSL एग्जामिनेशन के लिए भेजेंगे, जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो मोबाइल हमें मिला है ये टूटा हुआ मोबाइल है, पीछे का पोर्शन मिला है, इसमें IMEI नंबर हमें दिख रहा है और कुछ पीछे जो इसका मेक और मॉडल है वो भी लिखा हुआ है, लेकिन हम FSL इसको भेजेंगे एग्जामिनेशन के लिए और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे।